वाओ क्या हवा चल रही है। गुड मॉर्निंग बाबू। गुड मॉर्निंग। कितना प्यारा सा बच्चा है ये किस किस को प्यारा लगता है मुझे कमेंट करके बताना। ये हमें सबको बहुत प्यारा लगता है, ये बहुत स्वीट प्यारा सा बच्चा है, एकदम सीधा शादा सा, लेकिन ये पतला बहुत है ना प्रिया। शरणी प्रण लिया है। पाँच किलो भी बढ़ने वाला। एक किलो बढ़ गया बच्चे का है, सच्ची बढ़ गया। अरे वाह, मामा मामी के पास आके एक किलो वेट बढ़ गया बच्चे का। तो अभी इसका वेट प्रिशा बढ़ाएगी। आज प्रिशा क्या बनाने वाली है, क्या बनाने वाली है? और ये क्या कर रहा है, इसने ना कुछ गेम्स मंगवाए ऑनलाइन। केक, लावा केक बनाएगी ऑन कैमरा रिकॉर्डेड, मतलब आज मुझे आके बनाना ही पड़ेगा। हाँ ऑन कैमरा रिकॉर्डेड। और मैं क्या बोल रही हूँ, बाय द वे तुमने वो भी केक मंगाया हुआ ना, बहुत सारे वनीला केक एंड ऑल, तो उसके लिए मोल्ड वाला अच्छे से सीखना पड़ेगा। हाँ तो देखो वीडियो, देखो यूट्यूब पे और बनाओ। तुमने मेरे से कह के मंगवाए थे। हवा बहुत अच्छी चल रही है बाहर, बहुत अच्छी वाली ठंडी ठंडी सी हवा है। ये कपड़े देखे कैसे। नहीं नहीं अभी सारा काम बाकी है, सारी सफाई करनी है। मम्मी नहाने गई हैं और टाइम हो रहा है 10 बजे का, 10:10 है। मैं सुबह 6:15 उठ गई थी और यहाँ बैठ के मैं मेरी एडिटिंग कर रही थी। यहाँ बैठती हूँ मैं नीचे ऐसे, और ये पानी का ग्लास क्योंकि मैंने गर्म पानी पिया था सुबह सो के उठ के। चलिए दिन शुरू करते हैं, ब्लॉग शुरू करते हैं आज का, साथ में करते हैं अच्छी वाली मॉर्निंग, अच्छे वाले दिन की शुरुआत। आज 6:15 लाइट गई थी, लाइट जाने से मेरी आंख खुली और फिर मैंने कहा चलो मैं उठ ही जाती हूँ। मम्मी और बच्चे अंदर सो रहे थे, बाहर आ गई। विवेक कल वापस आएंगे और 2 रातों के लिए वो बाहर चले गए। पहले 1 रात का था लेकिन फिर वो रुक गए वहाँ पे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही सामान लेके गए थे साथ में। सो वो कल आएंगे, आप ज़रूर जानना चाहोगे उनके फ़ोन आए कि नहीं। तो हाँ उनके फ़ोन वगैरह आए हैं और वो हर फ़ोन पर बोल भी रहे हैं कि अब आगे ऐसा नहीं होगा। इस बार थोड़ा सा मैं ज़िद पे अड़ी हूँ, इतना जल्दी से मानने वाली नहीं हूँ, और जिससे कि वो नेक्स्ट टाइम याद रखे कुछ भी करने से पहले। ऑल्सो मेरी सासू माँ के साथ मैंने इस बारे में बात की है बैठ के कल, और उनका भी यही कहना है कि अगर ये नहीं सुधरता है तो इससे बात ही मत करो। तो अब तो मुझे सासू माँ की भी शेयर मिल गई है। तो मम्मी कह रही है तो फिर ऑब्वियसली, और उठने के बाद एक अपना मुँह हाथ धोया था, बस थोड़ा सा फ्रेश हुई थी। रात में मुँह धोए बिना सो गई थी जिस वजह से आप ये हल्का सा लिपटिंट देख सकते हो। कई बार है ना लोग ऐसे कह देते हैं कि सो के उठते ही लिपस्टिक लगा ली, लेकिन वो एक दिन एक रात पहले की होती है ना प्रिशा। वो कई बार मैं बिना मुँह धोए, आजकल तो बहुत हो रहा है ऐसा, मैं मुँह धोए बिना ही सो जाती हूँ। एक और चीज़ आपको बता दूँ, हम हेट कमेंट से अब ध्यान देना छोड़ दिया है। कितना ध्यान दे यार, ध्यान दे दे के पक गए। क्योंकि अब ना इट्स बीन 4.5 years नाउ और बस हो गया यार बहुत झेल लिया, अब दिमाग पे नहीं लेते, अब मन पे नहीं लेना, अब कुछ भी मन पे नहीं लेना क्योंकि बहुत ले लिया मन पे। और बस बहुत मजा आ रहा है हम लोगों को आजकल खाने पीने का। मम्मी आई है तो कुछ ना कुछ नया बनाती रहती हैं। हाँ उन्होंने लापसी बनाई थी परसों, कल उन्होंने उनतीयू टाइप्स बनाया था ना। हाँ आज है ना मम्मी और सोनू किसी घर पे जाने वाले हैं, अभी 11-12 बजे जाएंगे और वो फिर शायद शाम को आएंगे डायरेक्ट, एक मिलने वालों के यहाँ जा रहे हैं तो उनको भेजना है फटाफट से। चाय रखनी है अभी, प्रिशु रखेगी आज चाय, बहुत दिन से प्रिशा ने चाय नहीं बनाई है। कैमरा पे बोल रही थी मुझे बनानी पड़ती है, फिर मम्मी से उठती मुझे बोली, मैंने कहा मम्मी मुझे 10 बजे तक फ्री होना, 10 बज गए ऑलरेडी, मुझे पढ़ने बैठना था। और गाइस मैं स्टडी रूटीन मैं सोच रही हूँ कि मैं ना अब दादी जाएंगे ना, उसके बाद हम भी कहीं जाने वाले हैं, तो उसके वहाँ से आने के बाद मतलब एंडिंग ऑफ द मे शूट करके डालूंगी मैं, बिकॉज अभी बहुत स्केड्यूल पैक है मेरा भी। तो मैं सोच रही हूँ कि हाँ एंडिंग ऑफ द मे मैं शूट करूँगी, और एंडिंग ऑफ द मे में आपको वीडियो मिलेगा मैं स्टडी रूटीन का। एंड मम्मी ने मुझे नीचे से हाथ मार दिया है कि बस हो गया, क्लिपिंग लंबी होगी। फिर लोग बोलते हैं बहुत आप लोग बातें करते हो, और आप लोग बात करने में सोनू कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके बताना, बहुत प्यारी बच्ची है। मुझे लगा था कि जब पहले आई थी ना, ये 2017 में हमारे आई थी रहने,
तब ये बहुत बदमाश थी, बड़ी नोटी थी, इसके अभी से बड़े झगड़े होते थे, लेकिन इस बार बहुत ही शांत हो गई है क्योंकि अभी जितनी है ना, अभी से 5 महीना 4 महीना छोटी है, तो काफ़ी समझदार सी हो गई है और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं ये लोग। और अभी हमारे और भी बहुत सारे प्लान्स हैं, आज ये लोग शायद मूवी देखने वाले हैं शाम को बैठ के, ऐसा कुछ प्लान है इनका। कल हमने बाहर से खाना मंगा के इंजॉय किया था और बस अच्छा लग रहा है। मेरे मुझे ना ऐसे कोई घर पे आता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई घर पे आता है, हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। और कल रातों को तो हम बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, आजकल रातों को हम लोग सो रहे हैं 1 बजे 2 बजे 3 बजे, बहुत मजा आ रहा है कि मैं उतने तक पढ़ती हूँ, ये लोग बातें करते हैं। चलिए बाय फॉर नाउ, मुँह हाथ धोना है, बहुत कुछ करना है, अब मिलेंगे आराम से शांति से, चाय नाश्ता कर लेते हैं, चाय पर लगाऊंगी, चाय बनाते हैं। कोई चाहता है कि शादी वाला जो ग्लो होता है वो हमारे चेहरे पे हमेशा बना रहे, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हमेशा एक हल्दी फंक्शन हो और हमें जो है वो उपटन वाला ग्लो मिल जाए? उपटन का नाम तो सभी ने सुना है और बरसों से दादी माँ, ग्रैंड माँ, नानी, दादी हमारी यूज करती चली आ रही है उपटन, क्योंकि इसमें गुडनेस होती है हल्दी केसर की, और ये काफी अच्छा होता है और काफी निखार सभी लाने में हेल्प करता है स्किन पे। सो अब नो वरीज, बिकॉज गेट शादी वाला ग्लो एवरी डे। जी हाँ, इसके साथ आपको मिलेगा शादी वाला ग्लो एवरी डे, ये है ममार्थ उपटन फेस मास्क मेरे हाथ में, विथ टर्मरिक सैफ्रन एंड एप्रिकॉट ऑयल फॉर स्किन ब्राइटनिंग, पैराबिन एंड सिलिकॉन फ्री है ये, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, विद बायो एक्टिव्स है। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। जी हाँ, ममार्थ इज अ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड, दे से दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज। सो इसके अंदर है सैफ्रन एंड केसर जो कि नेचुरली आपकी स्किन को ग्लो देता है और आपके स्किन के टैन को भी रिमूव करने में हेल्प करता है। सो आउटर पैकेजिंग इस तरह से है, और इनर पैकेजिंग की बात करूं तो कुछ इस तरह से है, और काफी सारा प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, स्पैचुला मिल रहा है जिसकी हेल्प से आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करना बहुत ही ज्यादा इजी है। ये है ममार्थ उपटन फेस वॉश विथ टर्मरिक एंड सैफ्रन एंड फॉर टैन रिमूवल, ऑब्वियसली पैराबिन SLS फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, सूट्स ऑल स्किन टाइप्स, ये काफी अच्छा फेस वॉश है। तो प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड ऑल नेचुरल, ये सबसे अच्छी चीज है इस ब्रांड की। और मैं आपको बता दूं कि ये कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, तो ये अवेलेबल है ममार्थ की वेबसाइट पे, अमेजोन, नाइका एंड पर्पल पे। और अगर आप ये वाला कूपन कोड लगाओगे जो फ्लैश हो रहा है, यूट्यूबर 2022, जी हाँ, अगर आप ये कूपन कोड लगाओगे तो आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिलेगा, लेकिन आपको बाय करना पड़ेगा ममार्थ की वेबसाइट से। सो ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है, और चलिए लेट्स गेट इनटू द वीडियो कि इसको यूज कैसे करना है, उस प्रोडक्ट के की इंग्रेडिएंट वगैरह क्या है। सो ममार्थ उपटन फेस मास्क विद द गुडनेस ऑफ टर्मरिक एंड सैफ्रॉन, दिस फेस मास्क गिव्स यू अ नेचुरली ग्लोइंग स्किन बाय रिमूविंग टैन एंड नरिशिंग द स्किन। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लाइक टर्मरिक कंटेन्स एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज दैट हेल्प टू रिवाइव द स्किन बाय प्रिवेंटिंग प्री मेच्योर एजिंग। सैफ्रॉन कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट्स दैट सूथ्स योर स्किन एंड एड्स टू इट्स ग्लो। एप्रिकॉट ऑयल है इसके अंदर जो कि आपके स्किन को फर्मर टोन करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ममार्थ का ही उपटन वाला फेस वॉश लेके फेस को वॉश कर लेना है। ये फेस वॉश काफ़ी अच्छा है और उपटन से ही बना हुआ है, इसमें भी काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जो काफ़ी हेल्प करेंगे आपके स्किन को ब्राइटन करने में और टैन को रिमूव करने में। बस इसके बाद आपको जो है अपने फेस को क्लीन कर लेना है एक टॉवल की हेल्प से, एंड इसके बाद अप्लाई करना है ममार्थ का ही ये उपटन फेस मास्क। So this face mask reduces signs of skin damage, gives you healthy glowing skin, helps to retain skin moisture, helps remove suntan with natural ingredient. इसके अंदर काफ़ी अच्छे ingredient है, साथ ही साथ cucumber extract भी है। तो बस आपको 15 मिनट के लिए इसको लगा के छोड़ देना है और इसके बाद wash off कर देना है। For best results, use twice a week. और एक बहुत अच्छी चीज़ बता देती हूँ, एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम ममार्थ, यानी कि यू बाय फ्रॉम देम, दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट, द एग्जैक्ट जियो लोकेशन पिक्चर एंड द स्पेसिस ऑफ द ट्री विल बी सेंट टू यू। साथ में बता देती हूँ ममार्थ हैज लॉन्च्ड इट्स ऑफिशियल ऐप, यूजर्स गेट अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स। आई होप आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है इनकेस तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना पड़ेगा, सारी मैं छोड़ दूंगी। तो प्रिशा गई इसके बाद ब्रश करने के लिए, जो कि मॉर्निंग का रूटीन होता है बच्चों का, और घर अभी पूरा अस्त व्यस्त है, सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से अभी सब ठीक करना बाकी है, बिस्तरे उठाने हैं, वैसे हमारे बिस्तरे वगैरह भाभी उठाती है आके, और उस सब के लिए उसको मैं अलग से पे करती हूँ, और मैं आप लोगों से कुछ छुपाती नहीं हूँ। देखिए जो भी कुछ भाभी करती है मैं सब कुछ बताती हूँ। इस पर भी मुझे क्वेश्चन मेरे पर उठ जाते हैं कि
लाइक आप तो काम वाली से काम करवाते हो, हाउस हेल्पर से, आपको किस, आप क्यों थक जाते हो? यार थक जाती हूँ फिर भी, क्योंकि YouTube की भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और पूरा घर मैनेज हमें ही करना होता है। हाउस हेल्पर सब कुछ नहीं करती, उन्हें भी हर चीज़ रोज़ कहनी पड़ती है। तो यहाँ पे किचन में ना प्रिशा रोटियाँ गर्म कर रही थी और चाय बना रही थी साथों साथ, और इसके बाद बस लंच वंच बनेगा। आज मैं आप लोगों से बहुत सारी खुल के दिल की बात करने वाली हूँ, बहुत सारी बातें आपसे मैं शेयर करूँगी, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो कांस्टेंट आ रहे हैं और जिनको मैं जवाब दूँ नहीं दूँ, इतनी कंफ्यूजन में हूँ मैं। लेकिन लोग उसका मतलब तो कुछ और ही लगा रहे हैं, जैसे कि मतलब कल के ब्लॉग पे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए हैं कि आप पर्सनल प्रॉब्लम को यूट्यूब पे क्यों बता रहे हो। अरे अब मेरी ज़िंदगी, मैं एक व्लॉगर हूँ, डेली व्लॉगर, मेरी ज़िंदगी में जो भी चल रहा होगा वो सब कुछ रोज़ चलता है। जब मैं आपके साथ अपनी खुशियाँ, अपना घूमना फिरना, मस्ती मजाक, जब भी हम हॉलीडे पे जाते हैं, जब भी हम मस्ती करते हैं, सुख होता है, दुख होता है, विवेक की बीमारी हुई, जो भी हुआ, मतलब हर चीज़ आपके साथ रोज़ शेयर होती है। तो अगर मैंने अपना झगड़ा शेयर कर दिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न भी हो रहा है, लोगों को लग रहा है ये सब व्यूज़ के लिए हो रहा है। मुझे यहाँ तक कि मुझे इतना मजबूर कर दिया गया कि कमेंट सेक्शन में मुझे गणपति की कसम खानी पड़ी, क्योंकि उन्हें मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, और उनकी कसम अगर मैंने खाई तो यानी बात सच होगी। यानी किसी के घर में क्या सच में प्रॉब्लम नहीं हो सकती? मैं एक डेली व्लॉगर हूँ, आपके साथ 4 साल से जुड़ी हूँ, क्या मेरे घर में सच में कोई दिक्कत नहीं हो सकती है? और जब मैं सब कुछ आपके साथ रोज़ शेयर करती हूँ, रेसिपी, लाइफस्टाइल, तो क्यों मैं अपनी ज़िंदगी की तकलीफ़ कभी शेयर नहीं कर सकती? वो आप मुझे बताइए। ये बात ना मुझे बहुत अजीब लगी, मतलब मेरे पे इतने बुरे बुरे कमेंट्स भी आ रहे हैं, अच्छे भी आ रहे हैं, पर शक भी बहुत लोग कर रहे हैं। तो शक मत कीजिए, क्योंकि मैंने मेरे गणपति की कसम खा के आपको बता दिया है और मुझे मजबूरी में कसम खानी पड़ी है। लेकिन चूंकि सच में प्रॉब्लम हुई है तो मैं कोई झूठ कसम तो खा नहीं रही हूँ, इसलिए मुझे कोई डर भी नहीं है। कमेंट सेक्शन में मैंने कसम खा के आपको बोला है कि कुछ प्रॉब्लम हुई है, और जब कंफर्टेबल विवेक को पूछूंगी मैं, वो जब कंफर्टेबल होंगे तो हम दोनों बैठ के आपको बता भी देंगे कि क्या एक्चुअली हुआ था। ओके गाइस, तो अभी बजे हुए हैं 6:15 और जस्ट मैं शैम्पू करके आई हूँ। आई नो मैं बहुत लेट हो गई हूँ, लेकिन मैंने आज एक रेमेडी करी हुई थी माथे में, और ऐसे भी आज मम्मी नहीं थी तो इसीलिए थोड़ा सा आज मैं लेट ना आई हूँ। मैंने कहा चलो मम्मी नहीं है, मम्मी गई हुई है अपने, एक हमारे यहाँ रिलेटिव हैं तो उनके यहाँ पे आज सोनू को लेके गई हैं। सोनू जाने के लिए मना भी कर रही थी, फिर मम्मी बोली नहीं अच्छा नहीं लगता, इतने साल के बाद सोनू आई है तो उसको भी मिलवाना ज़रूरी है। और ये टॉप बहुत ब्यूटीफुल है, और ये मैंने मीशो से लिया था, और इसको मैंने ऐसे ही अभी तो स्कर्ट के ऊपर डाला हुआ है, फिर शाम को इसके नीचे मैं जीन्स पहन लूँगी। मेरी सास के सामने ये वाली प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है कि मैं क्या पहनूं और क्या नहीं पहनूं, और आज मैंने सिंदूर भी लगाया है। आपको जैसे पता है कि वो यहाँ पे नहीं है, और मैंने कभी भी YouTube पे सोचा नहीं था कि ये चीज़ मैं लेके आऊँगी, मतलब कभी भी किसी को पता चलेगा मेरे और विवेक के झगड़ों के बारे में, या कभी भी हम दोनों के बीच में कुछ इतना सीरियस होगा कि इतने दिन तक बात नहीं होगी। मैं आपको बोलूँ तो 7-8 दिन हो चुके हैं और हमने एक दूसरे से बात नहीं की है। फ़ोन ज़रूर हो रहा है लेकिन सिर्फ काम के लिए, कोई काम होता है तो उनको या मुझे। भाई ऐसा नहीं है जब उनकी ज़िंदगी में ये फेज़ ना आया हो, हर एक की ज़िंदगी में ये फेज़ आया होगा, झगड़े हुए होंगे, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि डाइवोर्स हो जाएगा, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि अब साथ में नहीं रहना, बस मतलब इस बंदे को छोड़ देना है बिल्कुल, ये निहायत ही मतलब काम का बंदा नहीं है ये, इसकी सोच बड़ी ख़राब है। मतलब होता है, देखिए जब झगड़ा किसे कहते हैं, झगड़ा इसे ही कहते हैं कि दो लोगों का आपस में विचारों के मतभेद, यानी विचार ना मिलना, ऑब्वियसली बिकॉज जो सामने वाला है, अगला है, वो दूसरी बैकग्राउंड से है, हम दूसरी बैकग्राउंड से हैं, हम दोनों भले कहते हैं कि पति पत्नी बनने के बाद हमारी आत्मा एक हो जाती है, हम एक हो जाते हैं, लेकिन देखा जाए तो पर्टिकुलरली वी आर डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट यू नो, उनका अलग दिमाग है, वो एक पर्टिकुलर अलग पर्सन है, ही इज विवेक एंड दिस इज रुचि। तो ऑब्वियसली विचारों के मतभेद होंगे, और मैं ऐसा नहीं कहती कि जो विचारों के मतभेद होंगे वो उनकी साइड से हमेशा गलत होंगे, कभी मेरे साइड से भी गलत हो सकते हैं, इस चीज़ से मैं डिनाई नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ इतना ज़रूर जानती हूँ मैं कि मैंने मिसबिहेवियर जिसे कहते हैं वो कभी नहीं करा है, और कितना भी गुस्सा आए मैं अपने गुस्से पे काबू रखना जानती हूँ। मुझे पता है कि मेरे 2 बच्चे हैं, नहीं तो मेरी ज़िंदगी की कहानी ऐसी रही है कि मैंने आपसे बहुत सारी बातें एक्चुअली सच्ची बोलूँ तो छुपाई हैं, लेकिन अब मुझे ना ऐसा लगता है, पता है एक उम्र का एक पड़ाव एक ऐसा आता है जब इंसान है ना किसी भी चीज़ से डरना छोड़ देता है, और तब जब उसने बहुत परेशानी उठाई हो और बहुत लाइफ में स्ट्रगल किया हो, या उसकी लाइफ बहुत ही कांटों से भरी हुई निकली हो, तब एक स्टेज ऐसी आती है जब हम खुद सेटल हो जाते हैं, मतलब सेटल इन द सेंस कि भाई आज मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मैं एकदम अकेली तो नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे बच्चों का सपोर्ट है और मेरे साथ मेरी YouTube फैमिली का सपोर्ट है, आज मैंने एक मुकाम बनाया है कि इतने सारे लोग मुझसे जुड़े हैं, अगर कोई भी मेरा ना रहा तो मुझे इतना पता है कि मेरी YouTube फैमिली मेरी है, मुझे जरूर समझेगी, मुझे ज़रूर लोग सपोर्ट करने आगे आएंगे। तो
तो वो चीज़ एक हिम्मत देती है। आज इस प्लेटफॉर्म ने, मैं सच्ची बोलूँ तो, जिसपे मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस प्लेटफॉर्म ने मुझे एक शक्ति दी है, एक स्ट्रेंथ दी है। आप जितने भी लोग मुझे रोज वॉच करते हो, चाहे 5,000 हैं, 10,000 हैं रोज वॉच करने वाले, नो डाउट मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत सारे हैं। जब भी कोई सुख दुख होता है वो सब आके खड़े हो जाते हैं, वैसे वो लोग वीडियो देखें ना देखें, लेकिन सुख दुख के टाइम पे वो लोग हमेशा आगे आ जाते हैं। बट फिर भी मैं ये बोलना चाहूंगी कि मुझे जितने भी लोग वॉच करते हैं वो सब मेरी स्ट्रेंथ बन चुके हैं। और एक लाइफ का एक ऐसा पड़ाव आता है कि जब हम किसी भी चीज से नहीं डरते, मतलब सच झूठ बोलने से। जैसे कि आप इसी से एग्जांपल ले लो कि आज तक विवेक के और मेरे झगड़े कभी सामने नहीं आए थे। आपने हमेशा विवेक को एक बहुत ही स्वीट पर्सन की तरह देखा है, कभी आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि उनका इतना भी गुस्सा हो सकता है कि मतलब बात यहां तक आ जाए कि एक पल के लिए हमें ऐसा लगा कि, मतलब मैंने तो एक पल के लिए सोच ही लिया था कि अब साथ में नहीं रहना है, बात ही ऐसी हो गई है। तो वो उतने, मतलब मैं उनकी बुराई नहीं कर रही, आप ऐसे मत सोचना कि झगड़ा हो गया तो जीजा जी की, जीजू की बुराई करने बैठ गई दीदी, नहीं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। कई बार पहले भी मन में आया था कि आप लोगों को बताऊं कि उनका क्या नेचर है, वो किस टाइप की नेचर के इंसान है। एक बार दिल में ये चीज आई थी कि मैं आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो बताऊं कि भाई उनका गुस्सा कितना तेज है। जैसे आप सोचते हो कि जीजू एकदम शांत, एकदम स्वीट काम इंसान है, तो वो सच में ऐसे नहीं है। क्योंकि देखो, जैसी मैं हूँ वैसे आपको भी पता चल रहा है ना कि मैं हूँ। जैसे कि मतलब मैं फैशनेबल हूँ, मुझे डार्क कलर की लिपस्टिक लगाना पसंद है, चाहे इसे बुराई कह लो, मैं इस उम्र में भी छोटे कपड़े पहनती हूँ जब बाहर जाती हूँ, तो वो चीज़ मैं आपसे छुपाती नहीं हूँ। मतलब मैं बाहर जाके भी आपको सती सावित्री बन के दिखाऊँ और मैं सूट वूट पहन के रखूँ, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। जो मैं रियल हूँ वो आपके सामने मैं आ ही जाती हूँ और मैं दिखा देती हूँ कि हाँ भाई, दिस इज द रियल रुचि, राइट। सो वो चीज़ विवेक की तो सामने आई नहीं है। विवेक वैसे दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, तो मैं हर एक ब्लॉग में बता रही हूँ आपको, लेकिन उनका गुस्सा बहुत खराब है। क्या ऐसा कभी होता नहीं होगा, किसी के तो हस्बैंड होंगे ना कि जो दिल के बहुत अच्छे होंगे, यानी जब वो अच्छे रहते होंगे तो बहुत अच्छे रहते होंगे, इतने अच्छे कि मतलब पूछो मत, ऐसा लगेगा इससे बेस्ट कोई नहीं हो सकता। लेकिन जब उनको गुस्सा आता होगा तो वो इतने ज्यादा भयानक हो जाते होंगे कि एक पल के लिए लगता होगा नहीं, इस इंसान के साथ अब जीना मुश्किल है। ऐसा कोई तो होगा ना मुझे वॉच करने वाला, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बिकॉज मेरे साथ भी कुछ ऐसी ही कहानी है कि ये है बहुत अच्छे लेकिन इनको गुस्सा इतना तेज आता है कि कई बार क्या होता है, करे कराए पे वो कहते हैं ना पानी फिर जाता है, इनका गुस्सा ना इनके करे कराए पे पानी फिर देता है। और मुझे इस चीज का दुख होता है कि यार मैंने जीवन में उनके लिए क्या नहीं किया, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत संघर्ष किया है। अभी गए साल की बात है जब इतना संघर्ष किया था उनके लिए, उनको कैसे भी करके मैंने ठाना था कि कुछ भी हो जाए उनको बचाना है, बस मैं उनके बिना जी नहीं सकती क्योंकि मैं बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन एटलीस्ट यार इंसान, मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती मेरी फैमिली से, मैं सिर्फ खुशियां देने में बिलीव करती हूँ मेरे परिवार को। मेरा परिवार तो परिवार, मुझे सोनू भी उतनी ही प्यारी है। आज वो पूरे दिन गई, मेरा दिल नहीं लग रहा है, अभी का भी दिल नहीं लग रहा है। एंड आपको चाहे जो भी लगे कि मैं कैमरा पे दिखा रही हूँ, लेकिन मैं बताना नहीं चाहती कि मैंने मेरे बच्ची के लिए, वो मेरी बेटी ही है, मेरी बेटी के लिए मैंने क्या क्या किया है सोनू के लिए। लेकिन मेरा ऊपर वाला और मेरा गणपति जानता है, जो कि यहाँ भी बैठा है मेरे पास। ये देखिए, ये बॉम्बे के सिद्धि विनायक भगवान है, सिद्धि विनायक गणपति मंदिर प्रभा देवी, ये मेरे हाथ में है। और मैं बोल रही हूँ कि मेरी सोनू मेरी ही बेटी है, मतलब मुझे अपनी बेटी जितनी ही प्यारी है, और सच में वो बहुत प्यारी बच्ची है। हमारे साथ अभी 2-3 दिन रही है, लेकिन 2-3 दिन में मैं इतना जान गई हूँ कि वो बिल्कुल प्रिशा जैसी है, दिल की बहुत साफ, दिल की बहुत प्योर और बहुत ही समझदार लड़की है। वो आज गई, मुझे अच्छा नहीं लगा। सो मुझे नहीं बताना मैंने मेरी बेटी के लिए क्या क्या किया है, लेकिन उसके आने से पहले जो भी चीज़ें नीडेड थी वो ध्यान से मंगवा ली हैं। खाने पीने से लेके हर चीज़ के बारे में उसके लिए सोच के रखा है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि बहुत सारी प्लानिंग्स है, वो आपको, आप भी देखने वाले। और देखिए, मेरा और विवेक का जो भी झगड़ा चल रहा है, जो भी डिस्प्यूट चल रहा है, उसका असर मैं सोनू की विजिट पे नहीं पड़ने दूंगी। एक और समस्या भी खड़ी हो गई है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या समस्या खड़ी हो गई है, कि मम्मी का आना भी इतना मुश्किल हो गया है यहाँ पे। इस बारे में मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में बात करूंगी, नहीं तो बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी। तो मुझे लग रहा था कि मतलब जो भी डिस्प्यूट है उसको चलने दो साइड बाय साइड, क्योंकि ऐसा भी नहीं है, आप सोचोगे कि इस डिस्प्यूट को खत्म क्यों नहीं कर देते जब आपको अपनी सास की और सोनू की इतनी बड़ी है। ऐसा नहीं होता गाइस, कुछ चीजें अनफॉरगेटेबल एंड अनफॉरगिवेबल होती हैं। मतलब कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं ना चाहते हुए भी इंसान के लाइफ में कि वो उन्हें माफ नहीं कर सकता, छोड़ नहीं सकता, ऐसे नहीं छोड़ सकता। मतलब होगा, छोड़ेगा तो आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन और आफ्टर सम प्रोमिसेस, सम कमिटमेंट्स, फिर वो उन चीज़ों को छोड़ सकता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ है, तो जिस वजह से अभी मैं छोड़ नहीं सकती इन बातों को। लेकिन मैं ये भी नहीं भूल सकती सिमिलरली कि मम्मी और सोनू आए तो उनका विजिट बेकार नहीं होना चाहिए, बच्ची को फुलेस्ट एंजॉय करा के मुझे भेजना है।
ऑल्सो मैं शनु की शॉपिंग करवाने वाली हूँ, अभी शॉपिंग पे जाएंगे तो आपको मैं जरूर शॉपिंग पे साथ में लेके चलूंगी, बिकॉज बच्ची के लिए मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। पर हम साथ में जाएंगे भी, क्योंकि अगर देखो मैं नहीं जाऊंगी, रूट के घर पे बैठी रहूंगी विवेक से, तो शोनू उदासी हो जाएगी, क्योंकि माहौल ही गमगीन हो जाता है। देखिए जब पति पत्नी के बीच में कुछ प्रॉब्लम होती है तो अगर हम ऐसे चिड़े चिड़े रहें तो पूरे घर का माहौल बिगड़ता है, और अगर मैं साथ में जाऊं तो वहां पे विवेक भी सोचते हुए जाएंगे कि नहीं आई, और थोड़ा सा चुप चुप से रहेंगे, शोनू के साथ भी चुप रहेंगे, और प्रिशा को भी अच्छा नहीं लगेगा और शोनू को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो फिलहाल के लिए हमने हमारे डिस्प्यूट को साइड पे थोड़ा सा रख दिया है, और उन लोगों के सामने तो हम लोग नॉर्मल से ही रहेंगे। बस नो डाउट मैंने मेरे सास से बात जरूर की है इस बारे में, क्योंकि वो उनकी माँ है यार, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। आप मुझे बताओ कमेंट करके कि क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मम्मी को बताने से मेरा कुछ मतलब हमारा कुछ नुकसान होने वाला है हमारे रिश्ते का? मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, मुझे बल्कि उल्टा लगता है कि शी इज हिज मदर, और वो बहुत अच्छे से अपने बेटे को समझा सकती हैं, जो कि आज भी वो सुबह में मुझसे इस बारे में बात कर रही थी और मुझे बोल रही थी कि बेटा मैं प्रॉमिस करती हूँ, मतलब प्रॉमिस इन द सेंस कि मैं उसको समझाऊंगी कि वो ऐसा दूसरी बार ना करे। तो लाइक देखो क्या होता है, मैं पता है क्या डर डर के मैं कैमरा पे बोलती हूँ, लेकिन सब कुछ बोलती हूँ, क्योंकि नहीं मैं अब नहीं, मैंने बोला ना लाइफ में एक फेज आता है जब ऐसा लगता है नहीं अब किसी चीज से नहीं डरना है और अब बस सच बोलना है। तो बस अभी मैं सच ही बोल रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सच बोल के, और आगे देखते हैं क्या होता है। जरूर लग सकता है कि इतना झगड़ा हो रखा है तो दीदी इतनी नॉर्मल कैसे है। देखिए मैंने वही बोला ना, फिर से बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि अब मैं काफी स्ट्रांग हो गई हूँ, अब मैं काफी स्टेबल और न्यूट्रल हो गई हूँ। यानी कि पहले जैसे झगड़े होते थे, हमारी नई नई शादी हुई थी, ये बहुत सारे लोग इस बात से मुझसे रिलेट कर सकते होंगे, वैसे बहुत सारी लेडीज जो मुझे वॉच कर रही हैं शायद मेरी बात से रिलेट कर पाए। नई नई शादी हुई थी ना तो मैं मतलब बहुत सीरियसली ले जाती थी चीज़ों को, मतलब जैसे कि कुछ झगड़ा हुआ तो मैं पूरा पूरा दिन रोती थी, मतलब मैं लगा लो मैं ऐसे रोती थी कि आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे रोती थी मैं, इतना दुखी हो जाती थी, मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी दुनिया लुट गई इनसे झगड़े के बाद। लेकिन मैंने देखा कि जितना फर्क औरतों पे पड़ता है, मर्दों पे पड़ता है फर्क, लेकिन उतना नहीं पड़ता है, दे आर लाइक बिजी इन देयर ओन लाइफ एंड मतलब उनको उतनी तकलीफ नहीं होती अगर हम उनसे बात ना करें, मतलब मेरे केस में तो ऐसा था। तो धीरे धीरे जब मैंने ये चीज़ देखी तो कितने साल तक मैं रोती रहती आप ही बताओ मुझे। तो वो क्या हुआ, ग्रेजुअली थोड़ा 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 करके ना मैं तो इतनी स्ट्रांग हो गई हूँ। मैंने रोना तो बहुत साल पहले ऐसे कम कर दिया था, मतलब क्योंकि मैंने देखा, देखिए बहुत सालों तक ये हुआ कि झगड़े होते थे कभी और मैं बहुत रोती थी और इतनी रोती थी कि मेरी आंखें सूज जाती थी, मेरे बच्चे मुझे समझाते थे कि मम्मी आप इतना दिल पे क्यों ले लेती हो, छोटे छोटे से बच्चे समझाते थे। तो फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि यार मुझे अपना ध्यान डाइवर्ट करना चाहिए। देखिए ये जो मेरी कन्वर्सेशन है हो सकता है किसी के लिए इंस्पिरेशन भी बन जाए, क्योंकि बहुत से घरों की ये कहानी है, मुझे पता है लेडीज की, कि बहुत झगड़े होते हैं और वो मतलब कोप अप नहीं कर पाती किसी चीज से, जिंदगी बेकार लगने लगती है। तो वो उनके लिए मैं एक इंस्पिरेशन, ये जो बातचीत है वो इंस्पिरेशन बन सकती है, कि मैं बहुत रोया करती थी। फिर धीरे धीरे मुझे लगा मुझे मेरा माइंड डाइवर्ट करना चाहिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी, क्योंकि छोड़ने वाली तो हूँ नहीं विवेक को ऑब्वियसली, और समझा समझा के भी थक चुकी थी और वेट कर करके भी थक चुकी थी कि भाई मेरे रोने से सामने वाले पे फर्क पड़े। लेकिन जब चीज़ें मैंने देखा कि कुछ वर्कआउट नहीं हो रही है और बिहेवियर वैसे का वैसे बना हुआ है, तो फिर मैंने अपना ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश की और खुद को स्ट्रांग बनाने की कोशिश की। तो स्ट्रांग बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप जो मुझे नजर आया वो आया खुद को इंडिपेंडेंट बनाना और खुद को बिजी करना। यू नो जब हम पैसा कमाते हैं तो पहली चीज तो हम अर्निंग कर रहे हैं, वहां से कॉन्फिडेंस आता है हमारा, हम खुद में कुछ बन जाते हैं, आइडेंटिटी बन जाती है। और सबसे बड़ी चीज कि आपका दिमाग बिजी रहने लग जाता है, आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपका ध्यान वहां से हट जाता है। तो जब मैंने देखा कि कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है तो फिर मैंने अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए मैंने पहले यहाँ पे कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट किया, मेरा वो ठीक से नहीं चला। देन उसके बाद मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट की, वो मेरी चल पड़ी थी, लेकिन उसमें मेरी सासू माँ ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, जो सच है वही बता रही हूँ मैं आपको, भले मेरी सासू भी देखे ये वीडियो कोई बात नहीं, जो बोल रही हूँ सच ही बोल रही हूँ। उन्होंने सपोर्ट नहीं, इन द सेंस कि उसमें बाहर रात को जाना पड़ता था, रातों रातों बाहर रहना पड़ता था, लेकिन मम्मी ने सपोर्ट नहीं किया, मम्मी ने सपोर्ट नहीं किया तो ऑब्वियसली फिर मैं वो बिजनेस आगे नहीं बढ़ा सकी, क्योंकि बच्चों के पास कोई नहीं होता था और वो आती नहीं थी, मना कर देती थी बॉम्बे से आने के लिए। तो वो बिजनेस भी मेरा ऐसे हो गया, फिर मैंने ये शुरू किया। अब ये बिजनेस तो इस तरह का है, यूट्यूब का और इंस्टाग्राम का और जो भी है, इसमें इंसान 24/7 बिजी रहता है। तो यहां मुझे हील होने में बहुत, और क्या क्या बोलते हैं, न्यूट्रल होने में बहुत हेल्प मिली मुझे, कि मतलब जब हम सिर्फ हस्बैंड को ही देख पाते हैं, हमारा पूरा फोकस जनरली हाउसवाइफ का हस्बैंड पे रहता है, इन द सेंस घर के काम पे भी रहता है, उस वे में कह रही हूं कि भाई अगर झगड़ा हो जाए तो हमें मतलब बहुत ज्यादा दिल को लग जाता है, हम बहुत रोते हैं, बहुत परेशान होते हैं, बहुत दिमाग पे ले लेते हैं।
तो जब आप अपने बिजनेस में बिजी हो जाते हो, जैसे कि मैं नोटिस खुद में कर रही हूँ चेंजेस कि जब 4 साल से मेरा ये बिजनेस चल पड़ा है तो मैं इतनी ज्यादा बिजी रहने लगी मेरी शूटिंग एडिटिंग में कि हमारा जब झगड़ा हो भी जाता है तो मैं ज्यादा देर ध्यान दे भी नहीं पाती, चाह के भी नहीं दे पाती। मतलब मैं जो पहले रोती थी घंटों घंटों, उसमें कमी आ गई है, मैं रोती नहीं हूँ, कभी कभार आंख से आंसू निकल जाता है, इस बार निकला है मेरी आंख से आंसू, काफी निकला है, थोड़ा नहीं काफी निकला है, मेरी आंखें सूज गई थी इतना निकला है, बहुत टाइम की बात। तो इसीलिए मैं ये बात छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं हूँ जल्दी से। तो लाइक मेरी जिंदगी में फर्क आना शुरू हो गया, मतलब पॉजिटिव फर्क कहेंगे, इसे नेगेटिव फर्क नहीं कहेंगे, ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है कि आप जो है मतलब जो बिना काम का आप अपने दिल पे लेके अपनी हेल्थ खराब करे थे, आप उसमें से बाहर निकल रहे हो, इन द सेंस नॉट इन फ्रॉम द रिलेशनशिप, इन द सेंस बिना काम का दिल पे लेना और घंटों घंटों रोते रहना, सोचते रहना और अगला जो है सोच नहीं रहा उस बारे में, और हम पागल हुए इतना सोचने में लगे हुए हैं, बिल्कुल पागल हुए जा रहे हैं, हमारी तबीयत खराब किए चले जा रहे हैं, उस वे में बोल रही हूँ। तो ये चीजों में ग्रेजुअली कमी आई मेरी और आज मैं इतनी स्ट्रांग हो गई हूँ कि हमारा इतना अच्छा खासा झगड़ा चल रहा है, इतना जबरदस्त वाला डिस्प्यूट है हमारे बीच में, और विवेक को अभी तक नहीं पता है कि मैंने इसे व्लॉग्स में बता दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने शायद वीडियो नहीं देखी होंगे बट मैं आज उनको बता देने वाली हूँ कि मैंने बता दिया है, कोई बात नहीं, इसमें क्या हुआ, आप हमारी लाइफ से कनेक्टेड हो तो ये बताने में ही क्या बुराई है, क्योंकि अब इतने दिन इतनी सारी व्लॉगिंग हुई है, उनके बिना आगे भी हम बात नहीं करने वाले ठीक से, तो पता तो चलना ही था आपको। सो इट्स लाइक कि अब चीजें काफी न्यूट्रल हो गई मेरी लाइफ में, अब मेरे अंदर उतनी वो आ गई है बैलेंस करने की, ये मेरा बिजनेस की वजह से कह लो या एक्सपीरियंस की वजह से कह लो, जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ कि मैं रोती रही मुझ पर ध्यान नहीं दिया गया झगड़ों के दरमियान। सो अब मैं ऐसे हो गई हूँ कि भले झगड़ा चल रहा है लेकिन मेरी जो लाइफ है वो अपने एक ट्रैक पे चलती है ठीक ठाक। कोई पता है जब घर की औरत दुखी रहती है ना तो पूरे घर का माहौल ही अलग सा हो जाता है। तो अब मेरे अंदर वो आ गया है कि मैं देखिए झगड़ा हो रखा है तो भी तैयार हुई हूँ, मैंने लिपस्टिक लगाई है, मैं अच्छा फील कर रही हूँ और मैं हंस भी रही हूँ, बोल भी रही हूँ, रील्स भी बना रही हूँ मैं, क्योंकि देखा जाएगा जब डिस्प्यूट ठीक होगा, जब पैचअप होगा, जब होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, जो होगा देखा जाएगा, ये वाली फीलिंग मेरे अंदर आ चुकी है गाइस। मैं इसीलिए मैं डरती नहीं हूं, तो मैं जो आपको बता रही थी कि मेरी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ है जिसके बारे में मैंने आपसे काफी कुछ छुपाया है, मैं अब आगे आने वाले दिनों में आपको बताने वाली हूँ, पहले एक मैटर सॉल्व हो जाए फिर मैं आपको बताती हूँ कि मेरी जिंदगी में मेरे साथ क्या हुआ है, आप लोग हैरान रह जाएंगे सुन के। सो अब और नहीं छुपाऊंगी मैं, पहले मुझे लगता था मैं जिंदगी भर आपको नहीं बताऊंगी जो मैं आपको कुछ दिनों बाद बताने वाली हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे ऐसा नहीं लगता, अब मुझमें उतनी ताकत, उतनी स्टैमिना, उतनी स्ट्रेंथ आ गई है, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप लोग मुझे गलत नहीं समझोगे, तो मैं वो चीज़ें आपको बता सकती हूँ जो हुई है मेरे जीवन में। तो बस अभी कुछ ही दिन की राह देख लीजिए आप, मम्मी आके जाएं, उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे जीवन की, पिछले जीवन की मेरी क्या कहानी है पीछे पास्ट की, ज़रूर से बताऊंगी, आप भी सुन के सोचेंगे कि रुचि ने जिंदगी में काफ़ी कुछ देख लिया छोटी सी लाइफ में। सो ये है, और अब जब ये आएंगे देखा जाएगा, कल ही आने वाले हैं मॉर्निंग में, देखा जाएगा क्या होगा, मम्मी इनसे बात करने वाली है इस बारे में, क्योंकि मम्मी को भी बहुत बुरा लगा है, मम्मी जो सच बात है वही बोलूंगी, मेरी सास ने मुझे बोला कि ये जो हुआ है गलत हुआ है और मैं उससे बात करूंगी। सो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि जिन भी औरतों का इस तरह से कभी झगड़ा हो जाता है ज्यादा, मतलब ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा, या छोटा मोटा भी हो या ज्यादा भी हो, दिमाग पे मत लीजिए, क्योंकि मतलब मैं ऐसा नहीं कहती सब हस्बैंड ऐसे होते होंगे, कुछ ऐसे होते भी होंगे जो बहुत दिल पे लेते होंगे और अपनी वाइफ को मनाते होंगे प्यार से, उनके लिए बात एप्लीकेबल नहीं होती है, लेकिन अगर किसी के हस्बैंड ऐसे हैं कि वो ध्यान नहीं दे रहे और आप रोए चले जा रहे हो, उसका कोई मीनिंग है? आपकी हेल्थ खराब हो रही है, आप अपना एक अच्छा वाला दिन खराब कर रहे हो जो आप बच्चों के साथ हंस बोल के बिता सकते हो। अब देखो कितना झगड़ा हमारा हो रखा है, हम बात नहीं कर रहे एक दूसरे से ठीक से, लेकिन रात में हम जो मस्ती काटते हैं मैं और बच्चे तीनों, सोनू, प्रिशा और अभी, ओ माय गॉड, हम लोग बहुत मजा करते हैं, लेट नाइट हम कोक पीते हैं, लेट नाइट हम मैगी खाते हैं, कप्पा नूडल खाते हैं, लेट नाइट हम फ्रिज में ढूंढते हैं कुछ खाने के लिए, मम्मी बोलती है बचा हुआ खाना भैया वो खा लो, वो खा लेते हैं, फिर पेट नहीं भरता कुछ और खाते हैं, 2:30 बजे 1 बजे सोते हैं हम लोग, जबकि इतना सारा डिस्प्यूट चल रहा है। तो जिंदगी तो चलने का नाम है यार, जब तक आप किसी एक इंसान पे बहुत ज्यादा रिलाई करोगे ना तब तक आप परेशान रहोगे, ये चीज मेरी आप लिख के रख लेना जितनी भी लेडीज मुझे वॉच कर रही हैं, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, खुद के साथ हैप्पी रहना नहीं सीखोगे। मेरी एक मान्यता है मेरे लाइफ में, मुझे पता है ये चिटचैट व्लॉग हो गया कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें से जरूर आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि जिसके सारे मैं अच्छे से जी पा रही हूं, मैं ये देखती हूँ कि ग्लास अगर इतना है ना, तो अगर वो इतना भरा है ना, तो मैं कभी भी इसलिए नहीं परेशान रहती कि वो इतना भरा हुआ क्यों नहीं है पूरा,
मैं उसके लिए खुश रहती हूँ कि आधा तो है ना। तो इन द सेम वे अब हमारा झगड़ा हो रखा है, लेकिन मैं उस चीज पे ध्यान ना देके कि विवेक नहीं है, विवेक के साथ प्रॉब्लम हो रखी है, वो सोच के मैं परेशान रहूं, वो गॉड अब आगे क्या होगा, उससे बेटर है कि मेरे पास जो फिलहाल है तीनों बच्चे मेरे पास हैं, तो मैं क्यों ना उनके साथ मजे से जीऊं, क्यों इतना ज्यादा परेशान रहूं फॉर व्हाट, जबकि वो वहां मेरे बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, उनके कोई इतने कॉल भी नहीं आ रहे हैं। यू वॉन्ट बिलीव गाइज, कल सुबह में उनका डायरेक्ट कॉल मेरे पास 12:00 आया था दोपहर को, सुबह में उन्होंने मुझे ना गुड मॉर्निंग किया ना कुछ, जबकि वो इतना कुछ बिजी नहीं थे मॉर्निंग में। सो झगड़ा सिर्फ मेरे लिए नहीं हुआ है, हम औरतों के लिए झगड़ा नहीं होता, झगड़ा दोनों साइड से होता है। अगर हम पे फर्क पड़ रहा है लाइफ पार्टनर के नाराज होने का या झगड़ा हो जाने का या दूर होने का, तो दूसरे लाइफ पार्टनर पे भी पड़ना चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट टू से दिस के अपने आप के ऊपर जुल्म मत करो रो रो के, मैं तो नहीं करने वाली अब, तो देखा जाएगा कल जो होगा। और मैंने तो मम्मी को भी बता दिया, मेरा मन हल्का कर लिया, मैंने आपको बोला ना मैं अब अपने जीवन में डिसाइड कर चुकी हूँ, जो होगा सच बोलूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी, चाहे वो बुरा है अच्छा है, और भले मेरी सास को बुरा लगे जो भी लगे, मैंने उनको सच बता दिया है बिल्कुल, और आप लोगों को भी बता दिया है। अभी तक मैं आप लोगों से छुपाती थी, कई बार ऐसा होता था हमारा बहुत झगड़ा हो जाता था, और इनका जैसे तेज गुस्सा है, बहुत तेज गुस्से में आके वो क्या क्या नहीं बोल देते थे, क्या क्या नहीं कर देते थे, लेकिन मैं रो के भी, तकलीफ में आके भी मैंने हंस के ब्लॉगिंग की है, आपको पता नहीं चलने दिया है। उस दिन विवेक को ब्लॉग में ही नहीं लेती थी मैं 2-4 दिन तक, और बोल देती थी कहीं बाहर गए हैं, तो लेकिन अब कितने टाइम झूठ बोलूँ, मेरे से ना अब ये मेंटल प्रेशर बर्दाश्त नहीं होता है। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक इट रिलैक्स, ताकि मैं मतलब मैं सच रहना चाहती हूँ, चाहे मेरे पहचान वाले देख रहे हैं या मेरे रिश्तेदार देख रहे हैं या जो भी देख रहा है, यही सच है। चलिए बहुत लंबी बातचीत हुई, यहीं पे कट करते हैं, मैं थोड़ा काम निपटाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो इसके बाद मैंने कपड़े चेंज किए थे, क्योंकि एक शूट किया था मैंने, और फिर मैं जब किचन में आई ना, इतनी फैली हो गई थी किचन, तो सब कुछ मैं यहाँ पे समेट रही थी। रात हो चुकी है अभी, और आज हमारा ना उसका प्लान है, कुल्फ़ी वगैरह खाने का प्लान है, मतलब खाना खाने के बाद, डिनर करने के बाद। अभी ये तो है नहीं ना विवेक यहाँ पे, तो ये तो बाहर गए हुए हैं आउट ऑफ सिटी, तो आज मैंने सोनू को प्रॉमिस किया है, यहाँ की एक जगह की कुल्फ़ी बहुत फेमस है, आपको पता है हमारे घर के पास ही, तो वहाँ से मैं लेके आऊँगी सबके लिए कुल्फ़ी घर पे, और फिर हम लोग बैठ के इन्जॉय करेंगे। ये मैं मूँगफली दाने सेक रही थी, क्योंकि मम्मी ने कहा था कुछ बनाने वाली हैं वो एक दो दिन में, कुछ साबुदाने की खिचड़ी वगैरह, तो उसके लिए उनको मूँगफली वगैरह चाहिए थी सिकी हुई। और यहाँ पर हम सारे बैठ के जो है रात की कुल्फ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। हमारा डिनर इस वक्त हो चुका है, ये क्लिप काफ़ी लेट नाइट की है, मैं बाहर जाके प्रिशा के साथ जाके कुल्फ़ी लेके आई थी, और हम सारे बातें करते करते फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे थे। और बस आज जो भी मैंने चिटचैट की है, अगर आप उसे ध्यान से सुनेंगे ना, तो मेरे मन की सच्चाई शायद आपको पता चल सके। देखिए मुझ पे शक मत कीजिए, मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, मुझ पे शक मत कीजिए, मेरी ज़िंदगी में सच में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, बट ऐसा नहीं होता कि कोई प्रॉब्लम हो गई तो यानी वो बात डाइवोर्स पे ही ख़त्म होनी चाहिए। अरे यार, हम किसी को सबक भी तो सिखा सकते हैं ना। अब ये विवेक की एज तो नहीं है, ना ही मेरी ऐसी एज है कि ये इतना इमेच्योरिटी में डिसीजंस नहीं ले सकते हम लोग, बट हाँ हम रियलाइज़ करा सकते हैं, हम पनिशमेंट दे सकते हैं, हम अपनों को छोड़ थोड़ी ना देते हैं हर छोटी बात पे, पर हमें उन्हें पनिश करके या उन्हें थोड़ा एहसास करा के भी हम चीज़ों को थोड़ा ठीक करने की कोशिश करते हैं। और ये एक औरतों की सभी की आदत होती है, वो जल्दी से अपना घर नहीं बिगाड़ती हैं, वो कुछ भी होता है ना तो पहले कोशिश करती हैं कि किसी भी तरह से इंसान को सही रास्ते पर लाया जाए। तो इसलिए मुझ पे शक करना बंद कीजिए, ना ही यहाँ व्यूज़ के लिए कुछ है। ऑलरेडी मेरी सासू माँ आने वाली थी, सब लोग व्लॉग देखने ही वाले थे, ठीक है ना, सभी को पसंद है जब मम्मी आती है वहाँ के व्लॉग्स उस टाइम के, तो ये कोई व्यूज़ के लिए कुछ नहीं हुआ है, ये इत्तफाक की बात है कि मम्मी आई उसी टाइम पे कुछ गड़बड़ हुई है। और जैसे जैसे धीरे धीरे सब ठीक होगा, पैचअप होगा, वो भी आपको पता चलेगा। चलिए मिलते हैं कल के व्लॉग में।